नर्मदा जल की गुणवत्ता चेक करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रियल टाइम मॉनिटरिंग की स्थापना की है। इसके लिए ग्वारीघाट में एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाएगा, जिसके जरिए जनता को हर 10 मिनट में पानी की शुद्धता की जानकारी मिलती रहेगी। यातायात पुलिस ने POS मशीन से वाहनों के चालान की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इसमें कार्रवाई की पारदर्शिता बढ़ने के साथ ही पैसे चुकाने में भी आसानी होगी। जिला प्रशासन एवं नगर निगम द्वारा पूर्व में जब्त की गई अमानक स्तर की पॉलीथिन का विनिष्टीकरण कराया गया। चंडाल भाटा दमोनाका स्थित बालाजी ट्रांसपोर्ट से करीब 15 ट्रक अमानक स्तर की पॉलीथिन को कठौंदा प्लांट ले जाकर विनिष्ट कराया गया। भू माफियाओं और अपराधियों के विरुद्ध जिला प्रशासन की अतिक्रमण हटाओ मुहिम लगातार जारी है। इसी कड़ी में प्रशासन के माफिया विरोधी दल ने हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के कब्जे से 10,500 वर्ग फुट सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन और अवैध रूप से रेत के भंडारण और परिवहन करने वाले खनन माफियाओं के विरुद्ध बीते 8 माह में खनिज विभाग, राजस्व और पुलिस विभाग ने व्यापक कार्रवाई की है। अवैध उत्खनन, भंडारण और परिवहन के मामले में कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने 1,20,28,842 रुपए का अर्थदंड वसूल किया है। खमरिया स्टेट वेस्टलैंड गुरुद्वारे के पास बीती रात दो बदमाशों ने एक प्राइवेट सुरक्षा कर्मी पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों बदमाश सुरक्षा चौकी में लगे बैरियर को जबरदस्ती खोलने और सुरक्षा कर्मी से रुपयों की मांग कर रहे थे। जब सुरक्षा कर्मी ने विरोध किया तो बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। विघ्नहर्ता विघ्न विनाशक प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का 10 दिवसीय पर्व संस्कारधानी में पूरी आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घरों, मंदिरों और गणेश पंडालों में प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जा रही है। नया मोहल्ला निवासी हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के विरुद्ध डोमती थाना पुलिस ने एक और FIR दर्ज की है। मामला कोर्ट परिसर के बाहर एक आवेदक को धमकाने से जुड़ा हुआ है। जिले में बीते 15 दिनों पहले हुई भीषण बारिश के बीच सिद्ध बाबा क्षेत्र में करीब एक दर्जन से ज्यादा कच्चे मकान धराशायी हो गए थे। इन मकानों में निवास करने वाले गरीब परिवारों को अब भी शासन प्रशासन से मदद की दरकार है। नमस्कार, BTV न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक का एक और कारनामा। 2.5 करोड़ की सरकारी जमीन पर बनाई थी अवैध डेयरी। माफिया विरोधी दल ने बेशकीमती सरकारी जमीन का अतिक्रमण मुक्त कराया। अमानक स्तर की पॉलीथिन को नगर निगम ने कराया विनिष्टीकरण। पूर्व में जब्त की गई थी पॉलीथिन। और खमरिया स्टेट की सुरक्षा चौकी के सुरक्षा कर्मी पर चाकू से हमला। जबरदस्ती बैरियर खुलवाने पहुंचे बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने FIR दर्ज कर शुरू की बदमाशों की तलाश। विघ्नहर्ता विघ्न विनाशक प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का 10 दिवसीय पर्व संस्कारधानी में पूरी आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घरों, मंदिरों और गणेश पंडालों में प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जा रही है। संस्कारधानी के गणेश मंदिरों में भगवान गणेश के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लग रहा है। सराफा में स्थित 350 वर्ष पुराने मनोकामना सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में भी भगवान गणेश के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। संस्कारधानी जबलपुर में प्रथम पूज्य आराध्य भगवान गणपति के 10 दिवसीय पर्व की धूम नजर आने लगी है। घरों, मंदिरों और पंडालों में विधि विधान से गणपति गजानन का पूजन अर्चन किया जा रहा है। संस्कारधानी के गणेश मंदिरों में भगवान गणेश के पूजन और दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। सराफा स्थित मनोकामना सिद्धि विनायक मंदिर में भी गणेश जन्मोत्सव पर्व का उल्लास देखने को मिल रहा है। करीब 350 वर्ष पुराने इस मंदिर में श्रद्धालु मनोकामना पूर्ति की अर्जी लगाते हैं। यहां स्थापित भगवान गणेश को मनोकामना वाले गणेश जी भी कहा जाता है। गणेश बप्पा का बहुत पुराना मंदिर है। यहां पर भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। उन्होंने मेरी मनोकामना भी पूरी करी है, इसीलिए मैं सुबह प्रतिदिन सुबह शाम उनके दर्शन करती हूं। हम सुबह शाम दोनों टाइम दर्शन करते हैं। और हम सुबह जब दुकान आते हैं तो पहले बाबा के इधर मंदिर आते हैं और दर्शन करते हैं। हम भी बाहर से आए, राजस्थान से, लेकिन ऐसा मंदिर कहाँ पे भी नहीं देखा जो
मूर्ति है यहाँ पे, स्थापित मूर्ति है। हाँ, बहुत पुरानी, 400 साल पुरानी मूर्ति है। हम भी बाहर से आए, लेकिन ऐसी मूर्ति हमने पहली बार ही देखी है और सब मनोकामना पूरी करते हैं। सिद्धि विनायक गणेश मंदिर सोनाराई दराही रोड पर स्थित है, जो कि 350-400 वर्ष पुराना है। और इसमें रिद्धि सिद्धि जो गणेश जी की पत्नी धर्मपत्नी है, और इसमें आजू बाजू और एक ही पत्थर में निर्मित है, हजारों लाखों भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जो यहाँ आते हैं अपने एक नारियल रखते हैं, और जो जिसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो इनकी वस्त्र चढ़ाते हैं भगवान के, और वस्त्र चढ़ाते हैं और पगड़ी चढ़ाते हैं मनोकामना पूर्ण होने पर। सुनरहाई में स्थित भगवान श्री गणेश के इस प्राचीन मंदिर में गणेश उत्सव के दौरान विविध धार्मिक कार्यक्रमों का क्रम भी जारी है। 350 वर्ष पुराने इस मंदिर में भगवान श्री गणेश के साथ रिद्धि सिद्धि और महादेव व माता पार्वती विराजित हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान श्री गणेश को अर्जी लगाते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। नर्मदा जल की गुणवत्ता चेक करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रियल टाइम मॉनिटरिंग की स्थापना की है। इसके लिए ग्वारीघाट में एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाएगा, जिसके जरिए जनता को हर 10 मिनट में पानी की शुद्धता की जानकारी मिलती रहेगी। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नर्मदा जल की गुणवत्ता को चेक करने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना की है, ताकि जनता को पानी की शुद्धता की जानकारी मिलती रहे। इसके लिए बोर्ड द्वारा ग्वारीघाट में एक विशाल डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाने वाला है, जो हर 10 मिनट में ऑटोमेटिक तरीके से पानी की शुद्धता और पानी में मौजूद घटकों की जानकारी प्रदर्शित करेगा। नर्मदा जी की जल गुणवत्ता नापने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना की गई है, जिसका डिस्प्ले बोर्ड ग्वारीघाट पे लगाया गया है, जिसमें आम जनता को नर्मदा जी की जल की गुणवत्ता रियल टाइम मतलब एक्चुअल में हर 10 मिनट में आपको प्रदर्शित होगी कि जो गुणवत्ता है वो आम जनता को प्रदर्शित होगी। ये टोटल ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें कोई मैनुअल मॉनिटरिंग नहीं होगी, टोटल ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग होगी। इसमें आप सब लोग ये ज्ञात हो सकता है कि ग्वारीघाट के डाउन स्ट्रीम में दूसरी जल में जो प्रदूषक होते हैं BOD सस्पेंडेड सॉलिड COD तथा उसकी pH टर्बिटी इत्यादि की जानकारी उसमें ऑनलाइन ही प्रदर्शित होगी। इसमें जनता को पता लग जाएगा कि कितना पानी प्रदूषित है अथवा स्वच्छ है, ये पूरी जानकारी ऑनलाइन होगी, किस कैटेगरी का पानी है ये पता लग जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि पानी की जांच के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, वहीं उपलब्ध जानकारी भी कई क्षेत्रों में उपयोगी साबित होगी। यातायात पुलिस ने POS मशीन से वाहनों के चालान की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इसमें कार्रवाई की पारदर्शिता बढ़ने के साथ ही पैसे चुकाने में भी आसानी होगी। डिजिटल भारत की झलक अब सड़कों पर भी नजर आने लगी है। यातायात पुलिस ने ऑनलाइन वाहनों के चालान की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। पुलिस कर्मी द्वारा वाहन की फोटो खींचकर और नंबर को POS मशीन पर फीड किया जाता है, जिससे ऑटोमेटिक चालान जनरेट होता है। चालान के पैसे भरने की सुविधा भी ऑनलाइन उपलब्ध है। यह न्यू POS मशीन है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन ऑटोमेटिक इससे चालान किए जा रहे हैं। इसमें पहले गाड़ी फोटो लेना पड़ता, अपना नंबर डालना पड़ता है, फिर उसको ड्राइवर का मालिक का डिटेल पर मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, और यदि वो उनके पास पैसे नहीं है तो पैसे बाद में दे सकते हैं, उनको टाइम मिलता है 15 दिन का, है ना। उसको नहीं देते हैं तो 16 दिन ऑटोमेटिक कोर्ट चला जाता है। अभी अकाउंट से लिंक नहीं है, इसमें अभी बाय कैश ले सकते हैं, डायरेक्ट कोर्ट का रहता है, विदाउट पेमेंट रहता है, और ATM कार्ड या अपन जो कार्ड से पेमेंट लेते हैं उसमें सुविधा है लेने के। समय ज़्यादा लगता है इसमें? हाँ, समय लगता है, सर्वर की जो समस्या है समय लगता है, बहुत जल्दी काम नहीं करती। मोबाइल जैसा ही फीचर इसमें है, तो मोबाइल जैसा फास्ट नहीं है, स्लो चलता है। स्लो चलती है जी, इस कारण थोड़ा चलानी कार्रवाई समय लगता है, समय लगता है। बहरहाल इस प्रक्रिया से एक ओर जहां यातायात पुलिस की इमेज में सुधार होगा, तो वहीं पैसे भरने में भी आसानी होगी। हालांकि कभी कभी नेटवर्क कमजोर होने से समय ज्यादा लगने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। जिला प्रशासन एवं नगर निगम द्वारा पूर्व में जब्त की गई अमानक स्तर की पॉलीथिन का विनिष्टीकरण कराया गया।
चंडाल भाटा दमोनाका स्थित बालाजी ट्रांसपोर्ट से करीब 15 ट्रक अमानक स्तर की पॉलीथिन को कठौंदा प्लांट ले जाकर विनिष्ट कराया गया। पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा चंडाल भाटा में जिस अमानक स्तर की पॉलीथिन को छापा मार कर जब्त किया गया था, उसी पॉलीथिन के भंडार को नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने कठौंदा ले जाकर विनिष्टीकरण किया। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के निर्देश पर नगर निगम के अमले ने करीब 15 ट्रकों में भरकर जब्त पॉलीथिन को कठौंदा प्लांट तक पहुंचाया। इस दौरान अधिकारियों की एक बड़ी टीम के साथ स्वास्थ्य अधिकारी भूपेंद्र सिंह मौके पर मौजूद रहे। ये चंडाल भाटा के पास ये राधा होटल के बाजू से जो गली है, यहाँ पे ये सील की कार्रवाई पहले की गई थी और आज सील को खोलकर इसको विनिष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक वैन है भारत सरकार की तरफ से, उसी तारतम्य में ये यहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक पाया गया है, उसको विनिष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है। कितने का टोटल ये एक अनुमानित ही बता सकते हैं, लगभग 50 से 60 टन के लगभग ऐसा हो रहा है। इसके बाद जो है कठौंदा स्थित प्लांट में इसका वेट भी किया जाएगा, उसके बाद ये सही आंकड़ा बता पाएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि प्रतिबंधित और अमानक स्तर की पॉलीथिन का क्रय विक्रय और भंडारण करने वाले व्यापारियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। भू माफियाओं और अपराधियों के विरुद्ध जिला प्रशासन की अतिक्रमण हटाओ मुहिम लगातार जारी है। इसी कड़ी में प्रशासन के माफिया विरोधी दल ने हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के कब्जे से 10,500 वर्ग फुट सरकारी जमीन को मुक्त कराया। हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक द्वारा गोरैया घाट में निजी जमीन से लगी 10,500 वर्ग फुट शासकीय जमीन पर कब्जा कर डेयरी और शेड का निर्माण किया गया था। जबलपुर जिले में भू माफियाओं और अपराधियों के अतिक्रमणों पर जिला प्रशासन की कार्रवाई की मुहिम लगातार जारी है। शुक्रवार को जिला प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2.5 करोड़ रुपए कीमती शासकीय भूमि को मुक्त कराने की कार्रवाई की। हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक द्वारा गोरैया घाट में निजी भूमि से लगी करीब 10,000 वर्ग फुट की भूमि पर कब्जा कर डेयरी और शेड का निर्माण किया गया था। जिला प्रशासन के माफिया विरोधी दल ने शासकीय भूमि पर काबिज अतिक्रमण को जमींदोज करने की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान SDM नमः शिवाय अर्जरिया सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद थे। आज पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा, नगर निगम की टीम के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय एवं SP सर के निर्देशन में यहां पर भू माफिया के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए डेयरी को तोड़ करके शासन की जमीन को मुक्त कराया गया। आज यहां गौर क्षेत्र के गोरैया घाट एरिया में एक डेयरी है जिसमें अवैध रूप से करीबन 10,500 स्क्वायर फीट जमीन पर टीन शेड लगाकर डेयरी को बढ़ा लिया गया था। पुलिस प्रशासन के अमले की उपस्थिति में इस अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया है और लगभग 2,30,00,000 की जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया था। जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन, अवैध रूप से रेत के भंडारण और परिवहन करने वाले खनन माफियाओं के विरुद्ध बीते 8 माह में खनिज विभाग, राजस्व और पुलिस विभाग ने व्यापक कार्रवाई की है। अवैध उत्खनन, भंडारण और परिवहन के मामले में कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने 1,20,28,842 रुपए का अर्थदंड वसूल किया है। जिले में खनिज माफियाओं और रेत के अवैध कारोबारियों पर शासन प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। वर्ष 2022 की जनवरी से लेकर अब तक बीते 8 माह में अवैध उत्खनन, भंडारण और परिवहन के मामलों में हुई कार्रवाई से शासन प्रशासन को अर्थदंड के रूप में 1,20,28,842 रुपए प्राप्त हुए हैं। खनिज विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक बीते 8 माहों में अवैध खनिज परिवहन के 1 प्रकरण बनाए गए, जिनमें से 96 प्रकरणों का निराकरण कर 4,65,165 रुपए जुर्माना वसूल किया गया।
इसके अलावा रेत के अवैध भंडारण के प्रकरणों में कलेक्टर न्यायालय द्वारा की गई कार्रवाई के बाद शासन के खाते में लाखों रुपए की राशि बतौर अर्थदंड जमा कराई गई। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जबलपुर जिले में अवैध खनिज के उत्खनन परिवहन भंडारण के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिनकी पर्सनली मॉनिटरिंग कलेक्टर महोदय द्वारा की जाती है। इस कार्रवाई में खनिज पुलिस और राजस्व विभाग तीनों संयुक्त रूप से भी कार्रवाई करते हैं, पृथक पृथक भी करते हैं। जनवरी 2022 से आज दिनांक तक जबलपुर ज़िले में 123 अवैध खनिज परिवहन के प्रकरण बनाए गए हैं। इनमें से 96 का माननीय न्यायालय कलेक्टर से निराकरण किया जाकर 485,165 रुपये अर्थदंड जमा कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त रेत के अवैध भंडारण के अनेक प्रकरण बनाए गए हैं। 30 रेत अवैध भंडारण के प्रकरणों का माननीय कलेक्टर न्यायालय द्वारा निर्वर्तन किया जाकर इनसे 72,78,677 करोड़ रुपए शासन के खाते में जमा कराया जा चुका है। जिला प्रशासन ने इन कार्रवाइयों के दौरान करीब 123 वाहन जब्त करने की कार्रवाई भी की है, जिसमें हाईवा डंपर ट्रैक्टर जैसे बड़े वाहन भी शामिल हैं। खमरिया स्टेट वेस्टलैंड गुरुद्वारे के पास बीती रात दो बदमाशों ने एक प्राइवेट सुरक्षा कर्मी पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों बदमाश सुरक्षा चौकी में लगे बैरियर को जबरदस्ती खोलने और सुरक्षा कर्मी से रुपयों की मांग कर रहे थे। जब सुरक्षा कर्मी ने विरोध किया तो बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। सुरक्षा कर्मी ने सुरक्षा अधिकारी को घटना की जानकारी दी और फिर खमरिया थाने में FIR दर्ज कराई। खमरिया स्टेट वेस्टलैंड गुरुद्वारे के पास स्थापित सुरक्षा चौकी पर तैनात प्राइवेट सुरक्षा कर्मी जितेंद्र यादव पर देर रात दो बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। बाइक सवार दोनों बदमाश रात्रि करीब 1 बजे सुरक्षा चौकी पर पहुंचे और सुरक्षा कर्मी जितेंद्र यादव से जबरदस्ती बैरियर खोलने की बात कही। इतना ही नहीं, उससे रुपयों की मांग भी करने लगे। जब सुरक्षा कर्मी ने विरोध दर्ज कराया तो बदमाशों ने उस पर चाकू से हमला किया। सुरक्षा कर्मी ने सुरक्षा अधिकारी को जानकारी दी, जिसके बाद सुरक्षा अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंच गए और उन्होंने खमरिया थाने में FIR दर्ज करवाई। रोजाना की तरह मैं 10 से सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी दे रहा था, तो रात के 1 बजे दो लोग आए, जिसमें एक टू व्हीलर चला रहा था चुन्नी और उसके पीछे बैठे थे रईस खान। तो इन्होंने आया और मेरे को बुलाया उधर और गंदी गंदी गाली गलौज करने लगे और बोले बैरियर खोलो। तो मैंने मना किया बैरियर खोलने के। मैंने बताया कि ये फैक्ट्री के GM साहब का आदेश है कि ये बैरियर जो है रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बंद रहता है। उसके बाद भी उन लोगों ने नहीं माना और मेरे साथ हाथापाई मारपीट शुरू कर दी, गाली गलौज गंदी गंदी गाली देने के साथ में। उसी बीच दौरान मैंने अपने सुरक्षा विभाग के विवेक यादव को फ़ोन करके बताया और उन्होंने तत्काल मौके पर पहुँचने के लिए आए। उसी दौरान इन लोगों ने अपने 3 साथियों को और बुला लिया, जो वो लोग भी चक्कू वक्कू लेके आ गए और मेरे पे चुन्नी ने भी चक्कू से अटैक किया, जिससे मेरे पेट में अटैक करने लगे तो मेरे हाथ में लगी, मैंने रोकते बचाव में, और इन लोगों ने मेरे साथ मारापीटी करी। और इसके बाद अपना सुरक्षा दल उस समय प्रेजेंट था, जिसमें उन लोगों ने दो तीन बार मेरे ऊपर अटैक किया, इस टाइप में अटैक किया, घातक हमला किया, जिसमें मेरे बचाव में जो सुरक्षा दरवान थे कुलदीप सर, तो उन्होंने उसके जब तीसरी बार अटैक कर रहे थे चक्कू से, तो उन्होंने डंडा मारा उसके हाथ में और वो तब फिर भागा दौड़ी मच गई, भगदड़ मच गई और वो भागे। जितेंद्र यादव थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया है कि दो व्यक्ति, एक चन्नी और एक रईस, ये मोटरसाइकिल से आए और रात्रि में बैरियर खोलने के लिए इनसे बोले। उसने बैरियर नहीं खोला, गाली गलौज ये करने लगे और उनको बोलने लगे कि हम गुंडे हैं, हमें 1,000 रुपये दो। उसने मना किया, इसी को लेकर उनके साथ मारपीट की गई है और जिसको चोट भी आई है। फिर वो अपने सीनियर अधिकारियों के साथ थाना उपस्थित आया है। थाना आने पर उन दोनों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 342 / 2022, धारा 294, 327, 324, 506, 34 कायम कर विवेचना में लिया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने दोनों बदमाशों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की है और फरार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।
नया मोहल्ला निवासी हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के विरुद्ध ओमती थाना पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की है। मामला कोर्ट परिसर के बाहर एक आवेदक को धमकाने से जुड़ा हुआ है। पुलिस के मुताबिक हनुमानताल न्यू आनंद नगर निवासी मोहम्मद शबीर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 1 सितंबर को जिला न्यायालय परिसर की बिल्डिंग के बाहर हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक द्वारा अपने पक्ष में गवाही देने और राजीनामा करने हेतु उसे धमकाया गया। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने थाना ओमती में हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के विरुद्ध धारा 294, 506 और 195 ए भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। 1 सितंबर को मोहम्मद शब्बीर अपने न्यायालयीन काम से न्यायालय गए हुए थे। उसी दौरान अब्दुल रज्जाक को माननीय न्यायालय में पेश करने के लिए थाना कोतवाली के द्वारा ले जाया गया था। और इसी दौरान आमना सामना होने पर अब्दुल रज्जाक के द्वारा मोहम्मद शब्बीर को धमकी दी गई और केस वापस ले लेने के लिए उसको जो है उस पर दबाव डाला और उसको गाली गलौज भी किया गया। तो इस घटना के को लेकर मोहम्मद शब्बीर के द्वारा थाना ओमती में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर अब्दुल रज्जाक के विरुद्ध थाना ओमती में अपराध धारा 294, 506, 195 ए के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जिले में बीते 15 दिनों पहले हुई भीषण बारिश के बीच सिद्ध बाबा क्षेत्र में करीब एक दर्जन से ज्यादा कच्चे मकान धराशायी हो गए थे। इन मकानों में निवास करने वाले गरीब परिवारों को अब भी शासन प्रशासन से मदद की दरकार है। 15 दिनों बाद भी मकानों के सर्वे और गरीबों को आर्थिक मदद प्रदान करने प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है, लिहाजा पीड़ित परिवारों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में बीते 15 दिन पहले हुई जोरदार बारिश के बीच सिद्ध बाबा वंशकार मोहल्ला और आसपास के क्षेत्रों में एक दर्जन से ज्यादा कच्चे मकानों को भारी नुकसान पहुंचा था। बारिश के बीच कुछ मकानों की दीवारें और छत गिर गई थी तो कुछ मकान पूरे के पूरे जमींदोज हो गए थे। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी इन मकानों में रहने वाले पीड़ित परिवारों की शासन प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। गरीब और पीड़ित परिवार जिला प्रशासन को मकानों के गिरने की जानकारी दे चुके हैं, लेकिन अब तक ना ही इन मकानों का सर्वे किया गया और ना ही लोगों को किसी प्रकार की आर्थिक मदद मिली है। ऐसे में पीड़ित परिवारों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि 15 दिन पहले जो पानी जोर से गिरा तो हम वंशकार के 15-20 घर गिर गए और जिसमें से अन्न दाना बर्बाद हुआ और बच्चे बड़े परेशान हुए। हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि हमें सहायता राशि देने की कृपा करें और आके हमारा सर्वे करें। गौरतलब है कि बीते 2 सप्ताह पूर्व जिले में 2 दिनों तक बारिश ने कहर बरपाया था और शहर के अलग अलग इलाकों में कच्चे मकान गिरने की घटनाएं हुई थी। इस बीच वंशकार मोहल्ला सिद्ध बाबा में एक दर्जन से ज्यादा कच्चे मकान बारिश से क्षतिग्रस्त हो गए थे। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज।